बेसन की पकौड़े तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन बारिश के मौसम में ये उड़द दाल के पकौड़े और पुदीने की चटनी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आइए देखते हैं आज हम इसे कैसे बनाते हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन करके रेडी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने उड़द दाल को भिगा लिया था, तो यहाँ पर मैंने 2 कप उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे, साथ ही इसमें जो थोड़ा पानी था वो भी डाला है मैंने। तो सबसे पहले मैंने दाल को लेकर के उसे वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे भिगाया था। तो अच्छी तरीके से इसे पीस लेंगे हम। तो यहाँ पर हमें इसे एकदम ज़्यादा भी नहीं पीसना है, जिससे कि ये एकदम पेस्ट फॉर्म में आ जाए। हल्का सा दरदरा रखना है इसे। तो ग्राइंडर जार में मैंने इसे पीस करके हम दाल को बाहर निकाल लेंगे एक बाउल में। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में अक्सर मैं इसे बनाती हूँ, बहुत अच्छे बन करके रेडी होते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक प्याज, मीडियम साइज का प्याज लिया है हमने, और 2 हरी मिर्च ले ली है। इसे हम बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ये दोनों चीजों को स्किप कर सकते हो, या फिर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली है, इसे हम साइड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हमने जो बैटर बनाया है दाल का, उसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए फेंटते जाएंगे। इससे ये होगा कि दाल में अच्छी सी हवा भरेगी और हमारे जो पकौड़े हैं एकदम फ्लफी बन करके रेडी होंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपको इस तरीके से इसे घुमाते रहना है, जिससे कि आपका जो बैटर होगा वो हल्का हो जाएगा। अब हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। तो इसके लिए यहाँ पर आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, धनिया भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी धनिया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो छत पे ही मैंने पुदीना लगा रखा था। तो यहाँ पर मैंने घर का ही पुदीना लिया है। 2 टमाटर लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टमाटर हरी मिर्च काट ली है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और पुदीने को भी अच्छी तरीके से धो करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे यहाँ पर ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो बन चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल करके इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी बन चुकी है। अब हम हमारे पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बैटर घोल करके रखा है, इसमें हम नमक डालेंगे, साथ ही प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आप हाई क्वांटिटी में बैटर बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बैटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको पकौड़े बनाने हो तो उसके आधे घंटे पहले आप फ्रिज से बैटर निकाल लीजिएगा, तभी आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। अब हम हल्के हाथों से पानी की सहायता से यहाँ पर पकौड़े बना लेंगे छोटे छोटे। तो दोनों हाथों में आपको हल्का हल्का पानी लगाना है, उसके बाद बैटर को हाथ में लेकर के इसे गरम तेल में फ्राई करना है। इससे ये होगा कि बैटर जो है वो हाथ में लगेगा नहीं। एक एक करके यहाँ पर मैंने 4 से 5 वड़े बना लिए हैं। पहले हम इसे हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद गोल्डन ब्राउन होते तक धीमी आंच में इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो वड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो वड़े बन करके रेडी हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।